हे गाइस, दिस इज चंदन सिंह विद निहाल। सो आ गए एक और वीडियो आपके लिए लेकर, और फिटनेस से रिगार्डिंग जो पहली वीडियो है वो चैनल पर आ चुकी है, और जिसने अभी तक वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने टॉप 5 लॉन्ग हेड के बाइसेप के एक्सरसाइजेस के बारे में बताया है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाकर जल्दी से देख लो। और आज की वीडियो में आपको टॉप 5 बैक एक्सरसाइजेस के बारे में बताने वाला हूँ, और हमारा ध्यान ज्यादातर जो है लोअर बैक पर रहने वाला है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और जो है गाइस मैं फिटनेस के ऊपर ये टॉप 5 जो एक्सरसाइजेस हैं इनके ऊपर आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। जैसे ये भी बाइसेप के ऊपर बन चुकी है और बैक के ऊपर ये वाली है, लेकिन आगे भी और टॉप 5 एक्सरसाइजेस और मसल ग्रुप को भी मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियोस को जरूर लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको वो कौन सी पहली एक्सरसाइज है जो आपको अभी लोअर बैक के लिए परफॉर्म करनी है। हे गाइस, तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमारी बैक के लिए होने वाली है वो हमारी सीटेड केबल रो। मोस्टली ये वाली मशीन जो है आपको हर जिम में मिल ही जाएगी, और इसके लिए आप चाहें तो दो तरह की ग्रिप होती है, एक तो ये वाइड ग्रिप हो गई, एक ये शॉर्ट ग्रिप हो गई। लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट ग्रिप से लगवाएंगे, क्योंकि वाइड ग्रिप जो है केवल आपके लेग्स पर काम करने वाली है और आपकी अपर बैक पर जाएगी। लेकिन जो लोअर ग्रिप होती है वो जो शॉर्ट ग्रिप होती है वो आपके दोनों मतलब आपके लोअर बैक भी ज्यादा वर्क करेगी, और ये चीज आप देख रहे हैं जो आपकी कोर बन रही है ये पूरी इस पर ज्यादा वर्क करेगी, साथ ही साथ आपके लेग्स पर भी वर्क करेगी। इसको आपको करना है 4 सेट के लिए, 15 से 12 रेपिटेशन आपको निकालनी है इसमें। और जब आप इसको अपनी जितना भी आप लगाएं तो हैवी वेट से लगाएं, क्योंकि ये जो है लो बैक जो होती है बड़ा मसल ग्रुप होता है, जिस पर अगर हम थोड़ा सा हैवी वर्क करते हैं, हैवी टेंशन डालते हैं, तो वो और अच्छे से ग्रो होकर आता है। तो आपको इसको 4 सेट के लिए करना है 12 से 15 रेपिटेशन। सो गाइस, ये होने वाला है आपका सेकंड वर्कआउट, जिसका नाम है डंबल बेंट ओवर डंबल रो। इसको जो है आप सीटेड चेस्ट सपोर्टेड के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको सपोर्ट के साथ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें डंबल्स के साथ बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाती है। आप चाहें तो इसको बारबेल के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको डंबल्स के साथ ही लगा रहे हैं। अब कुछ इस तरीके से आपको बेंड होना है, अपनी पोस्चर का आपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी वर्कआउट को परफॉर्म कर रहे हैं और वहां पर पोस्चर को अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वो सेट गलत हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका जो है पूरे लेग्स पे और लोअर बैक पे दोनों पे वर्क कर रहा है, साथ साथ ये कोर पर भी आपकी जो है असर डाल रहा है। इसको आपको करना है 4 सेट 15 से 12 रेपिटेशन के लिए, और एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जितना हो सके हैवी जाए, क्योंकि अगर आप बैक ऐसे बड़े मसल ग्रुप के लिए हैवी नहीं करेंगे तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो इस चीज का जरूर खास ध्यान रखें। सो भाई, ये होने वाला है आपका थर्ड वर्कआउट सिंगल आर्म केबल रो। ये वाली मशीन आपको कॉमनली हर जिम में मिल जाएगी, लेकिन अगर ये वाली मशीन आपको नहीं मिलती है तो आप इस तरह की मशीन पर भी इसको लगा सकते हैं। तो हमको इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, इस तरह की आपको एक ग्रिप ले लेनी है, देन अपनी पोजीशन का जो है मेन ध्यान रखना है आपको, अपनी पोजीशन इस तरह से बना लेनी है। और जब ये आपके जो है ये लेग्स पे बहुत ज्यादा बेटर वे में वर्क करने वाली है। दूसरी बात जो है इसको आपने लगाना है 4 सेट 15 से 12 रेपिटेशन के लिए, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हैवीनेस का अपना जरूर ध्यान रखें, जितना हो सके हैवी जाए, और अपने पोस्चर का मेन ध्यान रखें। ये जो आपके कोर पे फर्क आ रहा है, जो आपके लेग्स पे फर्क आ रहा है, ये आप पूरा देख सकते हैं। तो इस चीज का जो है खासी आपको ध्यान रखना है, और जितना हो सके आप इस पर हैवी जा सकते हैं। तो गाइस, ये होने वाली है आपकी फोर्थ एक्सरसाइज, जिसका नाम है डंबल रोस। अब इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि आपको मोस्टली जो है रॉस की एक्सरसाइज बताई है, क्योंकि रॉस की जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो हमारी कंप्लीट बैक पर जो है पूरा असर डालती हैं, केवल एक मसल ग्रुप पे नहीं कंप्लीट बैक पर असर डालती हैं। अब इस एक्सरसाइज को आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है, सबसे पहले तो आपको डंबल जो हैवी रखना है, कम से कम ये देखिए हम यहाँ पर 18 किलो का डंबल यूज कर रहे हैं, तो आपको डंबल हैवी रखना है। दूसरी बात, इसको आपने अपनी पोस्चर ठीक से बना के रखना है, कि आप इसका पोस्चर देख सकते हैं कि आराम से, और ये जो है ये हमारी लोअर बैक और लेग्स दोनों पर वर्क कर रहा है, और इसको आपने करना है कम से कम 4 सेट 12 से
15 रेपिटेशन के लिए। तो इस चीज का खास ध्यान रखें और जितना हो सके तो आप जो है हैवी यानी कि इसमें जरूर कोशिश करें। ये एक्सरसाइजेस जो है बहुत ज्यादा कॉमन है, मोस्टली हर जो भी बॉडी बिल्डर आपने सुने होंगे देखे होंगे जो इसको जरूर लगाते हैं। तो ये कॉमन एक्सरसाइज है लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और वर्सेटाइल एक्सरसाइज है हमारी बैक के लिए। गाइस ये आपकी लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज जो होने वाली है बेंट ओवर बारबेल रो। हम इसमें जो है इसको डंबल्स के साथ भी लगा सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे इसको बारबेल के साथ इसी लगा सकते हैं क्योंकि आप बारबेल्स के साथ इस पर ज्यादा हैवी जा सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये बैक की और जितनी भी बैक की एक्सरसाइजेस होती है उनकी मदर बोली जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके बैक के लिए। अब इसमें किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी पोजीशन पर ध्यान देना है कि किस तरह से पोजीशन बनानी। आपकी बैक जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली हुई है तो इसको बिल्कुल एकदम लीन होना चाहिए। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं कि ये बैक जो है पूरी लीन है और इसका पोस्चर उसको आपने बहुत आराम से परफॉर्म करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी कोर आपको साफ दिख रही होगी प्लस ये हमारे लेग्स और लोअर बैक पर अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो इसको बहुत आराम से और इसमें आप जो है अपने सेट 5 रख सकते हैं लेकिन इसको 10 से 12 रेपिटेशन के लिए आप लगा सकते हैं। सेट को बढ़ा लीजिए, रेपिटेशन को कम कर दीजिए, ऐसे करके 12, 10, 8 ऐसे करके आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें वेट को हर सेट के साथ आपको वेट अपना बढ़ाते जाना है। और इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई हैं उन सबके बीच में आपको 90 सेकेंड का गैप लेना है। हर एक सेट के बीच में 90 सेकेंड का गैप और हर एक जो आप रिपीटेशन लगाएंगे उसमें कम से कम 45 से 50 सेकेंड का गैप आपको लेना ही है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो गाइस ये थी आपकी टॉप 5 एक्सरसाइजेस आपके बैक के लिए। जैसा कि आपने इसमें देखा कि हमने जो भी एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं वो सारी रॉ एक्सरसाइजेस हैं जो आपके कंप्लीट बैक पर वर्क करती हैं। अपने टेक्निक का, अपने पोस्चर का और जितना हैवी आप जा रहे हैं इन सब चीजों का, इन एक्सरसाइजेस को लगाते समय जरूर आप ध्यान दें और मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दें। और जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप किस एक्सरसाइज पे चाहते हैं, किस मसल ग्रुप पे चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारी पहली वीडियो थी बाइसेप के टॉप 5 एक्सरसाइजेस के लिए उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देख लें। और YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको वीडियो के आते ही पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉप 5 एक्सरसाइज के साथ। और आप किस तरह के वर्कआउट को चाहते हैं वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये पूरी सीरीज तो बनाने वाला ही हूँ।